वंदे मातरम सबको। आदरणीय अतिथिजनों एवं समस्त उपस्थित महानुभाव, विकलांगता एक अभिशाप है ऐसा सब कहते हैं। यदि हाथ पैर आदि में से कोई भी एक अंग विकृत हो जाता है तो उसे सिर्फ एक विकल अंग वाला व्यक्ति ही समझ पाता है कि उसे किस कठिनाई से गुजरना है। जीवन में कितने सुंदर अवसरों को शारीरिक असमतावश खो देना पड़ता है। स्वामीण भविष्य के देखते हुए आज लोग मानसिक यातना से गुजरना पड़ता है। यदि वो विकलांग है तो उसे समाज में कई कठिनाइयों से जूझना पड़ता है, क्योंकि लोगों का कहना है कि वो विकलांग है तो वो किसी भी काम को नहीं कर सकते, पर वो आपकी सोच गलत है। आपके सोच लेने से क्या जरूरी है कि वो विकलांग हो गया? विकलांग वो नहीं होता जिसके शरीर किसी कारण विकृत है या कोई देख नहीं पाता या सुन नहीं पाता। विकलांग वो होता है जो अपनी सोच को चेंज नहीं कर सकता, अपने सोच के ऊपर रखता है कि वो विकलांग है। और हम सब जानते भी हैं कि दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आजकल कोई विकलांग को नहीं देखता, सब बराबर है। अगर आप आगे हैं तो वो सबसे आगे हैं, क्योंकि दुनिया में जीने के लिए खुशी भी ज़रूरी होती है। जिस प्रकार एक नन्ही सी चींटी बार बार दीवार में चढ़ती है, गिरती है, फिसलती है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती, अंत में आखिर वहाँ तक वो पहुँच ही जाती है। आप लोग भी हिम्मत मत हारिए। जीवन में दो चीज़ हमेशा रहता है, एक सुख और दुख। जब तक आपको दुख नहीं मिलेगा तो सुख का अनुभव कैसे होगा? जीवन जीने के लिए संघर्ष करना ज़रूरी है और बिना संघर्ष से कुछ नहीं प्राप्त होता। प्रशासन द्वारा बेटियों के लिए कुछ ऐसी संस्था भी चलाई जाती है, महिला दिवस के ऊपर कुछ कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, तो उनके लिए भी ये कार्यक्रम उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि आप सबके लिए। विकलांगता की सोच तभी चेंज हो सकती है जब आसपास का माहौल और आप जहाँ पास रहते हैं वहाँ के माहौल को पहले बदलना है। आप बदलने चले हो दुनिया को, लेकिन दुनिया सबसे पहले नहीं बदलती, सबसे पहले आपको बदलना होता है, अपने आप को बदलना होता है, तभी आपके आसपास माहौल बदलेगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो या कुछ नए काम करना चाहते हो तो लोग आपको पीछे खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर आप एक कदम बढ़ाते हैं तो लोग आपको 100 कदम पीछे खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी उन्नति को, आपकी प्रगति को वो देख नहीं सकते कि ये आगे क्यों बढ़ रही है। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि लोगों को काम है कहना और वो कहते ही रहेंगे। कहते हैं ना, अगर आप सड़क में भी चलते रहोगे तो सर झुका के चलेंगे तो लोग कहेंगे कितना बेशरम आदमी सर झुका के चल रहा है। अगर आप सर उठा के भी चलते हो तो भी कहते कितनी बुरी नज़रे से दुनिया को देख रहा है। क्यों? क्योंकि उनका काम है दूसरों को बुरी बातों को बनाना। तो आप उस बातों को ना सुने, आप अपने जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाते हुए चलिए, क्योंकि जीवन यही सिखाता है कि आप जीवन में संघर्ष करो और संघर्ष करते रहो। भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है, ये नहीं कि उसे नकार दिया जाए। आप उसे एक बार हौसला तो दीजिए, क्योंकि हाथों के लकीरों पे कभी यकीन नहीं करना, हाथों के लकीरों पे कभी यकीन नहीं करना। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते।
यहाँ बस ऐसे लोग भी हैं जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन अपनी काबिलियत के माध्यम से वो यहाँ तक पहुँचे हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि अगर आप सब कुछ कर सकते हैं तो मैं भी आप लोगों से कम नहीं हूँ, आप जो नहीं कर सकते मैं वो करके दिखाऊँगा। उन्होंने ठान रखी है कि नहीं, मैं भी ये करूँगा और करके ही दिखाऊँगा। तो हमारे लिए माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी या महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए कुछ ऐसे भी अभियान चलाए हैं शिक्षा को जागरूकता करने के लिए। तो आप भी उन सबको संघर्ष कराइए और उन्हें शक्ति दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार उगते हुए सूरज को तो सब प्रणाम करता है लेकिन डूबते हुए सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो डूबता हुआ सूरज है। लेकिन जब आप किसी को हिम्मत देते हो, हौसला बढ़ाते हो, तो उन्हें भी लगता है कि नहीं, हमें कोई है हमें हौसला देने वाला, हमें जज्बा देने वाला, तो हम भी ये काम करेंगे। और मेरा गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है 1 घंटे में 38 पेंटिंग करने के लिए। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहूंगी, अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हो तो एक पल की वो खुशी दो जिसे लोग जीने के लिए तरसते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो घर से नहीं निकल पाते, लोग उन्हें देख नहीं पाते, यानी कि देख के भी अनदेखा कर देते हैं। ज़रूरी है क्या उन्हें अनदेखा करना? क्या आप उनकी एक आवाज़ नहीं सुन सकते? क्या उनकी आप एक आवाज़ नहीं बन सकते? अगर आप उनकी एक आवाज़ बनते हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं, तो वो क्या नहीं कर सकता? जिस प्रकार अगर आप में से कोई ऐसा भी होगा जिन्हें किसी प्रकार की मदद नहीं मिलती है या वो मदद के लिए भटकते रहते दर बदर, तो मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनकी मदद करें, क्योंकि उनकी मदद करने से आपको भी तो खुशी मिलेगी लेकिन सबसे ज़्यादा उन परिवारों को खुशी मिलेगी जिन्हें उम्मीद नहीं थी, उम्मीद की कोई किरण नहीं थी, शायद उन्हें कोई किरण मिल जाए। कहते हैं ना, जुगनू कोई ताज का मोहताज नहीं होता, राजा के महल में भी उतनी रोशनी देता है जितनी कि एक गरीब की झोपड़ी में। आप सब उनकी मदद कीजिए। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सब ने मुझे यहाँ इतना समय दिया, आपने मेरी बातों को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच आपको। Everybody, let's go. It's our tree of life.
kid, we multiply. We are the champions, you are the champions. Ain't nobody gonna mess with you no more. Ain't no challenge gonna put you down no more. Ain't nobody gonna laugh at you no more. Ain't nobody gonna look at you and stand no more. We are the champions, you are the champions. Cause we chose now to place this in our ability.